बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था जो बहुत चालाक था, लेकिन साथ ही वो लोमड़ी बहुत ही आलसी भी था। वो इतना आलसी था कि अपना पेट भरने के लिए खुद से खाना तलाश करने में भी आलस करता था, इसलिए वो हमेशा भूखे पेट ही रह जाता था। लगता है आज भी मुझे कोई खाना नहीं खिलाने वाला। इससे पहले कि भूख से मेरे प्राण निकल जाएं, मुझे कोई उपाय सोचना पड़ेगा। लोमड़ी खाना जुगाड़ करने के तरीके सोच रहा था, तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे बिल में पड़ी। उसने देखा कि उस बिल से बहुत सारे चूहे निकल के कहीं जा रहे हैं। उन सब चूहों में एक चूहा बहुत ही मोटा और तगड़ा था। वाह, इतने सारे चूहे एक जगह! अगर ये चूहे मुझे खाने के लिए मिल जाएं, तो मजा आ जाएगा, पर इन्हें पकड़ने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे कोई और तरकीब निकालनी पड़ेगी जिससे ये चूहे खुद ही मेरे पास भोजन बनने के लिए आ जाएं। लोमड़ी कोई तरकीब सोचने में डूबा हुआ था, तभी उसे सारे चूहे खाना खा के वापस आते हुए दिखे। सरदार, आज तो मजा आ गया, खाने के लिए कितने स्वादिष्ट भोजन मिले। सारे चूहे और उनका सरदार अपने बिल में चले गए। लोमड़ी ये सब देखता रहा और रात भर कोई ऐसी तरकीब सोचता रहा जिससे वो आसानी से चूहों को खा सके, और सुबह तक उसने एक तरकीब सोच ही ली। अगले दिन लोमड़ी ने अपनी योजना के अनुसार चूहों के बिल के बाहर हाथ जोड़कर एक पैर पर खड़ा हो गया। उसका मुंह खुला हुआ था और उसकी दिशा सूरज की ओर थी और आंखें बंद थी। तभी चूहे बिल के बाहर आए और लोमड़ी को ऐसी अनोखी मुद्रा में खड़े देख आश्चर्यचकित हुए। उसे ऐसे खड़ा देख एक चूहा डरते डरते उसके पास गया। लोमड़ी भाई, तुम इस तरह एक टांग में क्यों खड़े हो? चूहे की आवाज सुनकर लोमड़ी ने धीरे से अपनी एक आंख खोली और गुस्से से बोला, मूर्ख चूहे, लगता है तुमने मेरे बारे में कभी नहीं सुना। अगर मैं गलती से भी चारों पैर जमीन पे रख दूंगा तो ये धरती मेरा बोझ नहीं संभाल पाएगी और उसी के साथ तुम सबका अंत हो जाएगा। तब तक बिल से और भी चूहे बाहर आ चुके थे और लोमड़ी की ये बात सुनकर उनमें खुसुर फुसुर शुरू हो गई और सब धीरे धीरे लोमड़ी के पास गए। और चूहों के सरदार ने आगे आकर लोमड़ी से पूछा, हे महान लोमड़ी, हम आपकी बात सुनकर आपके बारे में जानने को बहुत उत्सुक हैं। कृपया हमें अपने बारे में कुछ और बताइए। मैंने हजारों वर्ष हिमालय पर्वत में एक टांग पर खड़े रहकर तपस्या की है। भगवान ने प्रकट होकर मुझसे कहा कि मेरी तपस्या से मेरा भार इतना अधिक हो गया है कि अगर मैं अपने चारों पैर धरती पे रख दूं, धरती गिरने लगेगी और ब्रह्मांड को फोड़कर दूसरी ओर निकल जाएगी। लोमड़ी की बातें सुनकर सारे चूहे उससे प्रभावित हो गए और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लोमड़ी अपनी झूठी कहानी चूहों को सुनाता रहा। तब से देवताओं ने कहा कि धरती मेरी कृपा पर ही टिकी रहेगी और उसी समय से मैं अपनी एक टांग पर खड़ा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण अन्य किसी जीव जंतुओं को कष्ट हो। और अगर मैंने अपने चारों पैर धरती पर रख दिए तो अनर्थ हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तुम सब भी। हे महान लोमड़ी, आप दिन रात एक पैर पर खड़े रहते हैं, फिर भोजन कैसे और कब करते हैं? मेरा भोजन केवल हवा है, मैं बस हवा खाकर ही जिंदा रहता हूँ। देवताओं के आशीर्वाद से मुझे खाना खाने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। लोमड़ी की बात सुनकर चूहे उससे पूरी तरह प्रभावित हो चुके थे। जैसे जैसे लोमड़ी उन्हें अपने बारे में बताता गया, उनका सारा भय जाता रहा और वो निर्भय होकर उसके बिल्कुल निकट आ गए। चूहों को अपने इतने पास आते देख लोमड़ी बहुत खुश हुआ। वाह, लगता है मेरी योजना काम कर गई, अब मुझे भोजन की कमी कभी नहीं होगी, बस मुझे ये ढोंग चालू रखना होगा। इस तरह लोमड़ी रोज अपनी एक टांग पर खड़ा रहता और चूहे उसके चारों ओर बैठकर ढोल मंजीरे लेकर उसके भजन गाते। लोमड़ी ये देख बहुत खुश था, क्योंकि जैसे ही भजन कीर्तन खत्म करके चूहे अपने बिल में वापस जाने लगते, लोमड़ी चुपके से एक दो चूहों को दबोच कर खा जाता। वो मजे से दबोचे हुए चूहों को खाकर रात भर आराम करता था और फिर सुबह होते ही चूहों के बिल के पास जाकर एक टांग पर खड़ा हो जाता था। वाह, बिना परिश्रम का खाना कितना स्वादिष्ट लगता है। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होने लगी। ये अचानक से हमारे चूहों की संख्या कम कैसे होने लगी? जरूर कोई गड़बड़ है। इससे पहले कि सारे चूहे गायब हो जाएं,
मुझे इसका पता लगाना ही होगा। हे महातपस्वी लोमड़ी, मेरी टोली के चूहों की संख्या दिन ब दिन कम होते जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? चालाक लोमड़ी सरदार चूहे की बात सुनकर समझ गया कि अब उसका नाटक पकड़ा जा सकता है, क्योंकि सरदार चूहे को शक हो गया था, इसलिए उसने एक और ढोंग किया और अपना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाते हुए सरदार चूहे से एक और झूठ बोला। हे चतुर चूहे, यह तो एक दिन होना ही था, क्योंकि जो भी बिल्कुल सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा उसे अपने पूरे शरीर समेत वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तुम्हारे चूहे को अपनी सच्ची भक्ति का फल मिल चुका है, वो सभी वैकुंठ लोक जा चुके हैं। सरदार चूहा लोमड़ी की ये बात सुनकर चौंक गया। तभी उसकी नजर लोमड़ी के पेट पर गई और उसने ये देखा कि लोमड़ी पहले से बहुत मोटा और तगड़ा हो गया है। उसे समझ में आ गया कि हो ना हो लोमड़ी ही उसके चूहों को खा रहा है। ये कोई महात्मा या तपस्वी नहीं बल्कि एक ढोंगी लोमड़ी है, मुझको सबको सतर्क करना होगा। चूहों के सरदार ने तुरंत जाकर बाकी बचे चूहों को सतर्क किया और एक योजना बनाई। अगले दिन फिर से सब चूहे लोमड़ी के पास भजन कीर्तन के लिए गए, पर इस बार सरदार चूहे ने सबसे अंत में अपने बिल में घुसने का फैसला किया। भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद सारे चूहे बिल में घुसने लगे। चूहों का सरदार आज सतर्क होकर सबसे पीछे था और जैसे ही लोमड़ी ने उसे दबोचना चाहा, सरदार चूहा उछलकर उसके पंजे से बच गया और उछलकर लोमड़ी की गर्दन में चढ़ गया और उसे काटने लगा। लोमड़ी दर्द से तिलमिला उठा। आह, बचाओ, छोड़ो मुझे। सरदार चूहे के हमला करते ही बाकी चूहे भी आकर लोमड़ी पर हमला करने लगे और उसे जगह जगह से काटने लगे। लोमड़ी ने बहुत कोशिश की, लेकिन इतने सारे चूहों के हमले से वो बच नहीं पाया और धीरे धीरे दम तोड़ दिया। चूहे ये देखकर बहुत खुश हुए। इस तरह सारे चूहों ने मिलकर ढोंगी लोमड़ी से अपना बदला लिया।